चली मैं अपने भैया की बारात लेकर। स्नेहा ये भी पूरा खाती है। मैं इनकी मम्मी को मिस नहीं कर रहा हूँ। संग बन गया एप्पल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अभिषेक प्रजापति व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पहले व्लॉग में कि मम्मी पापा मानू जा रहे हैं इलाहाबाद 5-6 दिनों के लिए जा रहे हैं। तो अब पापा नहीं जा रहे, उनका कोई काम आ गया है। खाना कैसे बनाएगा? अरे वो तो कोई नहीं। अब पापा गाइस नहीं जा रहे, उनका काम वाम शुरू हो गया और मम्मी और मानू जा रहे हैं। दिखा दो इनको। देखो मैं जा रही हूँ। तुम जा रहे हो? हाँ जी। तुम ना जाओ, क्या करोगे? आगे छोड़ो। सो गाइज, मम्मी आज जा रही हैं और मम्मी अब आएगी 22 को। तो आप गिन लो कितने दिन हो गए हैं। 6 दिन। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 को आओगे भाई। 16 नहीं लगाओ ना, आज तो निकल ही रहे ना। तेरे को तेरे भैया की याद नहीं आएगी? नहीं है? और मानू ने अपनी वही टी शर्ट जो गंदी मुंदी सी टी शर्ट पहनी, पैंट मैंने दूसरे पहने। 5000 ईयर्स पुरानी। आंटी देखो कितना ज्यादा ग्लो कर रही है आज। और गाइस एक हैक बताऊं आंटी ने क्या किया हुआ है। आंटी ने ना लिप एंड चीक टिंट को सिंदूर की तरह यूज किया। गाइस वो लाल वाला हैक देख रहे हो हमारी इंडियन मम्मियों से? हैक सीखो कुछ। मैं कुछ बोलना चाहूंगा गाइस, वो लाल वाला क्लोजअप कॉलगेट नहीं होता वैसा कुछ, मम्मी ने पूरा मुंह पे भर लिया। मैंने कहा देसी कॉलगेट। हां वो लिप्स, हां वो लिप्स, हां वो बेला वीटा का वो जो लिप्स, हां लिप स्क्रब था। और सुबह से 3 बार पैक लगा चुका हूं। मुझको इतना कवार मत समझो, पढ़ी लिखी की मम्मी हूं मैं। आज लिपस्टिक अच्छी सी लगी होगी ना लिप्स पे स्मूथली। लिप स्क्रब करने के बाद डेड स्किन हट जाती है ना सारी। हो गए ना बेटा वो लिप्स। हां गाइस देख रहे हो अपकमिंग ब्यूटी इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर। आज मैं पता है जा रही हूं इलाहाबाद और कहूंगी लो चली मैं अपने भैया की बारात लेके। लो चली मैं। किसी को इतना एक्साइटेड देखा है कभी? बताओ। कजन भाई की शादी में इतना एक्साइटेड है। तो अभी तो आंटी का एक भाई को आ रहा है ना। अभी उनकी शादी में देखना डबल नाचेंगी आंटी। अभी कहाँ अलमारी की फुल ऑन कंबल वंबल मन्नी पैक कर रहा है? अरे पजामा रख रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं आती, मम्मी ने जॉगर पहना दिया। क्या करो? घर का भूल व्लॉग जैसे कैमरा सामने आया ना वैसे ही चेंज हो गया एटीट्यूड एक मिनट में। माय गॉड, बेटा तुम ना मेरी खिल्ली उड़वाते रहते हो व्लॉग में। तो मैंने क्या करा है? नहीं, मैं कोई गुस्सा करता हूँ? और अभी क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहा। क्या कर रहे हो? किसका मिला हुआ है? जाते जाते लास्ट टाइम कल गाइस, अभी तो यही नहीं और सुनिए, अभी मेरे को फोन करके बोलेंगे मम्मी को परेशान किया ना पंजर। टाइम से खाना खिलाना मम्मी को, प्यार से बोल रहा हूं, मानू बदनाम कर रहा। सतान नहीं करना मम्मी को। अच्छा, सतान नहीं करना? नहीं करना, नहीं करना मतलब, सतान ही नहीं करना बिल्कुल भी। चलो व्लॉग बंद हो गया, अब बोलो ठीक है। हो गया, बंद हो गया। तो गाइज मम्मी और मानू वगैरह को हम छोड़ आए हैं, मेरी मासी भी गई है एक्चुअली, अभी नीचे छोड़ के आए। बताइए कितना क्या मच गया था रोड पे, किसी की बारात आ गई, कुछ हो गया, कुछ हो गया, घोड़ी भगाता वाले के जा। पापा के लग जाती, पापा गाली दे रहे उसे, ओ साले ऐसे करके, और रुका ही नहीं, पापा कह रहे रुक जाता अगर वो। लेकिन मैं गया नहीं, अब क्या करेंगे, डांस करेंगे। वीडियो कॉल कर लेना ना शादी जब हो रही होगी तो उनको। आजकल तो वीडियो कॉल पे शादी, वर्चुअल शादी, वर्चुअली अटेंड कर लेते हैं लोग। सोच लोग बच्चे भी डाउनलोड करने लग जाएं अगर। क्या जैसे वर्चुअल शादी हो रही है ऑनलाइन, कुछ टाइम ऐसा ना आ जाए कि बच्चे भी डाउनलोड होने लग जाए। अच्छा सही बात है। 2 hours later। तो गाइस अभी हम लोग हैं थियोब्रोमा GK2। एक्चुअली अभिषेक मुझे ड्रॉप करने जा रहा था, मुझे एकदम से क्रेविंग हुई दैट आई वांट टू हैव समथिंग हेज़लनट पेस्ट्री टाइप कुछ ऐसा मन करा। तो अभी हम लोग थियोब्रोमा में है एंड अभिषेक के पापा का फोन आया, ही इज अटेंडिंग हिज कॉल एंड इम्प्रॉम्प्टू डिजर्ट डेट आप कह सकते हो। अभी हम कर रहे हैं रात को 10 बजे, लकीली खुला हुआ है इनका आउटलेट, दैट्स ग्रेट। वी आर हैविंग दिस डिजर्ट डेट लाइक आई टोल्ड यू गाइस। एंड गाइस एक बहुत ही तगड़ा बमर हुआ है अभिषेक, क्या हुआ है बताओ गाइस? उसी की वजह से अंकल का कॉल आया था अभी। मानू अपने कपड़े भूल गया है गाइस, जो उसको शादी में पहनने, शादी रिसेप्शन दोनों में जो पहनने, दोनों जोड़ी भूल गया है गाइस। एक्चुअली जो कैंसिल हुआ ना पापा का जाना, तो उस बैग में थे मानू के जो कोट से कपड़े थे, तो मानू ने उस बैग से निकाले नहीं एंड वो भूल गया अपने दोनों फंक्शंस के कपड़े। सॉरी मानू, वी फील बैड फॉर यू, बट अब तू केयरलेस है थोड़ा सा, अब हम क्या कर सकते हैं भाई। उसको अपने कपड़े याद से निकाल लेने चाहिए थे, बिकॉज दैट इज समथिंग जो वो जो बंदा भूल ही नहीं सकता। सो गाइस शिवानी को मैं छोड़ा हूँ एंड शिवानी ने पापा के लिए कुछ भेजा है, कह रही यार अब आंटी नहीं है तो भाई हमें ख्याल रखना पड़ेगा। मेरी परी मेरा कितना ख्याल रखती है देखो, और ये मेरी फेवरेट पेस्ट्री है। ओ पापा को समझ आ गई है डब्बा देख के। The next day. So guys, मैं खड़ा हूँ बाहर अभी नेल अफेयर के, द नेल अफेयर के बाहर खड़ा हूँ मैं एंड शिवानी अंदर करा रही है अपने नेल्स। वो 3:45 आ गई थी यहाँ पे, आई थिंक अब थोड़ी देर में हो जाने चाहिए, अभी बज रहे हैं 4:30।
सोई बस मैं जाता हूँ उसके पास एंड उसको यहाँ से लेके घर जाएंगे। हाय शिवानी। हेलो। मैंने बाहर बता दिया कि तुम नेल्स करवा रहे हो अंदर। यस सर। हाय। आप भी दो तीन बार फीचर हो चुके हो यहाँ पे। सर बहुत परेशान करती है। नहीं सर बेचारी मेरी बातों से परेशान। उनकी ऐसी बता रही है। कोई नहीं। द नेक्स्ट डे सैंडविच बनाइए। बढ़िया लग रही है ये तो। सो गाइस मम्मी घर पे है नहीं एंड पापा मिस कर रहे हैं मम्मी को। वैसे बहुत है मिस कर रहे हो भाई? हाँ? नहीं मिस तो बहुत कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। अब तो नहीं हो गया। मिस तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन खाने के उसमें नहीं। अच्छा। वैसे अपने प्यार के उसमें। अच्छा क्यों? खाना तो मेरा अब्बू भी इतना प्यार। अरे अभी मैंने आज ही तो बनाया बस कल। सैंडविच इतनी बेहतरीन बनाई है। और कुछ नहीं है मिला गाइस। मैं आपको बताऊँ इसमें रात को मेरे को दूध गर्म करके पिलाया वो भी नहीं खाना डाल के खिलाया। तो खाने की वजह से मैं इनकी मम्मी को मिस नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे को उनके बगैर बनने लगता है इसलिए याद आ रही है। गाइस आपको पता है पापा की एक बात बताऊं मैं आपको? रुको फ्रंट कैमरे से बताऊं। गुड मॉर्निंग गाइस। आपको पता है जितनी तारीफ पापा कर रहे हैं ना मेरी उतनी बनती तो है नहीं। वैसे मैंने कुछ इतना खिलाया विलाया नहीं है पापा को। कल भी पापा नहीं थे लेकिन आज मैंने ऐसी एग सैंडविच बना दी ये बना दी। पापा थोड़ा सा लेट जाएंगे अपने गुड़गांव जाना है पापा को काम पे। तो ना एक्चुअली क्या बात हुई है पापा को मम्मी की आ रही है याद। तो कल इन्होंने मुझसे करवा दी टिकट बुक। मम्मी आएगी 21 को तो इन्होंने मेरे को बोला कि 20 की सुबह सुबह मेरी टिकट करा दे और ना मैं भी चला जाऊंगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने इनकी वंदे भारत से टिकट करा दी। फिर कल पता नहीं क्या हुआ रात को कह रहे यार टिकट कैंसिल करा दे। अरे मैंने बोला यही करता रहूं मैं। पापा की 4 बार ऑलरेडी टिकट कैंसिल हो चुकी है। कह रहे यार याद आ रही है मेरे को तेरी मम्मी की मेरे को जाना है ये वो। फिर मैंने बोला यार छोड़ो बेटा लेकिन नहीं। फिर काम आ गया मेरा एक। तो फिर काम से बढ़के तो कुछ नहीं है ना। किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए वैसे। हाँ। बोलते हैं ना वो कि वर्क इज रिलीजन काम ही धर्म है। तो गाइस बस अभी मैं रेडी वगैरह हो रहा हूँ एंड एक सरप्राइज है बहुत बड़ा जो इस व्लॉग में नहीं आएगा। आएगा शिवानी के व्लॉग में बट उस सरप्राइज के लिए ही हम जा रहे हैं अभी एंड लेट्स सी। आपको अपडेट देता हूँ मैं जाके। बाय बाय परियो। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ शिवानी के साथ। आज एक बड़ा सरप्राइज दिखेगा आपको लेकिन इस ब्लॉग में नहीं वो शिवानी के ब्लॉग में दिखेगा। यस। लेकिन वी आर इन DLF एवेन्यू। देखते रहिए शिवानी तनेजा चैनल। यस। तो बस हम जाते हैं हमें जहाँ जाना है अभी। बाकी इस ब्लॉग में तो हमारा रॉ पार्टी रिकॉर्ड होगा जो भी हम कुछ खाएंगे पियेंगे जो भी करेंगे। तो गाइस हमने शिवानी जो लेना चाहती थी इतने टाइम से इसका सरप्राइज ले लिया है। अंदर क्या है वो आपको शिवानी के ब्लॉग में पता चलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं कूपन लेने। आपको पता है कूपन के बहुत तगड़े लालची हैं। तू लालची है। हाँ मैं मुझे याद भी नहीं था अभिषेक इसमें इतना महंगा हमने प्रोडक्ट लिया है। कूपन तो लेंगे ना भाई। बहुत ही अच्छे अच्छे कूपन मिल जाएंगे। ऑब्वियसली आई थिंक 5-6 हजार के कूपन मिल जाएंगे ना। यस। तो अभी हम जाते हैं DLF एवेन्यू। ये मॉल वाले कूपन देते हैं अपने अपने स्टोर के से ऐसे कूपन लेते हैं। यस। तो गाइस अब हम कुछ खाने आए हैं कैफे दिल्ली हाइट। गाइस इस लड़की ने मुझे सिर्फ बदनाम किया हुआ है। फ्री का ये भी पूरा खाती है। ये हमें ब्रेड स्टिक्स मिली थी फ्री वाली गार्लिक स्टिक देखो फ्री में खा रही है भी। मुझे क्यों बोलती है सिर्फ तेरे संगत का असर हो रहा है। अच्छा अब इसमें भी मेरे को बोल रही है देख रहे हो गाइस ये सारा मक्खन चाट चाट के खाया है इसने। सच अ लायर यू आर। खुद ने सारा चाट दिया मक्खन और मैं फिर अभी बच्चे कुछ मक्खन से काम चला रही हूँ। ओए ये पूरा भरा हुआ है ले 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 खाली खाली। तो हमारी पोटैटो वेजेस आ गई है। हमने क्या खा रहे हैं हम आज? पास्ता पिज्जा तो बिल्कुल नहीं खा रहे। तो गाइस अब आ गई है मेरी कोल्ड कॉफ़ी। मैं पी रहा हूँ कोल्ड कॉफ़ी और शिवानी पिएगी मॉकटेल। ना कोई मॉकटेल मंगाया ना तूने? बेरी समथिंग वेरी पैशनेट एंड शी इज वेरी पैशनेट। ओ यस पैशनेट पीपल ड्रिंक पैशनेट ड्रिंक्स। वाओ एंड कोल्ड पीपल ड्रिंक्स कोल्ड कॉफ़ी वेरी नाइस कोल्ड कॉफ़ी। ऑब्वियसली अच्छी है ना। नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग नॉट वेरी लाइट नॉट ओवरली स्वीट नॉट फीकी नॉट कड़वी परफेक्ट। एंड गाइस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये हमें बेवरेज एक के साथ एक फ्री थी इसीलिए हमने थोड़ी सी मंगा ली है वरना तो। गाइस पैशनेट लोगों का पैशनेट ड्रिंक आ गया है। दिस इज वेरी पैशनेट एंड शी इज शिवानी पैशनेट। अरे खट्टा है क्या? खट्टा मीठा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। चल मेरा भी तो रिएक्शन रिकॉर्ड कर। क्या हुआ? मुझे लग रहा था तू ओवर कर रही है। मैं ओवर नहीं कर रही अभिषेक वो ह्यूमन रिएक्शन होता है। बट इट्स वेरी टेस्टी यार। है ना मतलब क्रैनबेरी टाइप्स कुछ बहुत टेस्टी लग रहा है। ओ भाई साहब हैप्पी बर्थडे टू यू। नई चीज के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू तुम्हारी नई चीज के लिए गाइस। और शिवानी देखो
बर्गर को दो करने में उसको कितना टाइम लग रहा है यार, ये बहुत हैवी, मतलब बहुत बड़ा बर्गर है यार, मैंने कभी नहीं देखा इतना बड़ा बर्गर कैफेज में। सही में मैं मुझे तो लगता था गुप्ता बर्गर का बर्गर ही बड़ा होगा। गाइस आप लोग क्या कितनों क्या गुप्ता बर्गर मिलता बताना, गुप्ता बर्गर से कुछ मैच नहीं हो सकता है। सही में मैं समझा दिया इस लड़की ने। तो गाइस शिवानी को तो कुछ नहीं मिला H&M में आज, इसको एक दो चीज पसंद आई वो साइज में नहीं थी आई थिंक, और एक दो चीज मिली नहीं जो इसको ऑनलाइन जो इसने तुमने बताया नहीं कि हम H&M में हैं। हाँ हाँ हम H&M में गाइस। कोई नहीं तो अब मैं देखता हूँ कुछ यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो। Yes. 2 hours later. अरे क्या हो गया तुम दोनों को, ऐसे क्यों लेटे हो? एक लेटा एक बैठी है। एक लेटा एक बैठी, क्या हुआ अबू? एक्चुअली ना दोपहर को पैर के 2-3 बजे से इतना भारी थैला लेके पूरे मॉल में घुमाए। अच्छा आ गया हमारा छोटू। यस चल मुबारक हो बहुत बहुत। अब ये मुझसे अपनी सेवा करवा रहा है कि मेरी आईब्रोज दबा, मेरा सर दबा, ऐसा कैसा, मेरे ये वाले पॉइंट्स दबा जिससे रिलैक्स मिलती है। गैस हो रही है, फुसी मार रहा है। आई नो आंटी झूठ बोल रही है। शिवानी गंदी बातें क्यों करते हो तुम? वही ना। और बताओ? बस आंटी जी सब बढ़िया। आओ आप भी अपनी शक्ल दिखा दो। मैं क्या करूंगी दिखा के, जैसे फालतू की कमेंट्री कर रही है। मैं पीछे से चाय भी तो पी रही हूँ, घुटर घुटर की आवाज नहीं आ रही गाइस? ऐसा करके पीती है, मतलब मम्मी के चाय पीने का स्टाइल दिखाती है। यू शट अप। देखो देखो ऐसे पीती है भाई शिवानी, प्लीज यार। देखो 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 मम्मी चाय कैसे पीती है। देखो पहले थोड़ी सी मुंह में डालेंगी चाय, फिर चबाएंगी चाय, नहीं नहीं फिर उसको ना ऐसे करेंगे ऐसे जीप से ठंडी करते हो। मेरा प्रा माय ब्रदर वो पता कैसे पीता है, वो भी सेम मम्मी की तरह पीता है। ठीक है गाइस, मम्मी के हाथ में कैमरा इसलिए बहुत खिला रही है, सो प्लीज मैनेज। ऐसे पीता है मेरा भाई, वो भी सेम ऐसे पीता है ऐसे। थप्पड़ मार दूंगी तुम दोनों का, तुम दोनों हमारे। थैंक गॉड मैं अपने पापा पे गई हूँ इस मामले में कि मैं नहीं करती। तू अपनी पूरे अपने पापा पे गई है, देख पूरी शक्ल पापा पे है, तो मैं करके नहीं पीती। बोलो क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं, तू बता तुझे क्या दिक्कत होती है हमसे? oh, no. जब हम दोनों माँ बेटे बैठे होते तो है। अभिषेक इरिटेट हो रहा है मम्मी और मेरी चिक चिक से। आप दोनों कितना लड़ते हो यार? लड़ते मतलब बहसबाजी, लड़ना नहीं कहते हैं ये तो सारा दिन चलता है हमारा, तभी तो घर में लगता है कि कोई है घर में, क्योंकि ये नहीं होती तो फिर ऐसा लगता है घर सन्नाटा। यंशु को कोई मतलब नहीं होता, बेचारा दो टाइम से रोटी लेगा, दो टाइम बेचारा रोटी खाएगा, वो डॉगी है, थप्पड़ मारूंगी तो ऐसे ऐसे बोल रही है, दो टाइम की रोटी खाएगा और मतलब वो कुछ नहीं बोलता, वो मुझे सच्ची में कुछ नहीं बोलता है। उसको टाइम से खाना दे दो, टाइम से नाश्ता दे दो, कुछ नहीं। और ये तो आना कहानी खामा खा लेना, एक ना देना तो चाय। हाँ जी आंटी जी, बात थोड़ी थी कि शिवानी पापा पे गई है, तो अंकल जी के बारे में ना काफी लोग पूछ भी चुके हैं पहले। हाँ, तो आप यार बता देना वो, ठीक है गाइस, अगर आप चाहते हो कि आंटी बताए पूरा जो भी मतलब बात है जो भी है, शिवानी के चैनल पे बता देंगे आंटी और एक सेट डाउन वीडियो करके। हाँ, तो आप मुझे बता देना कमेंट्स में। शिवानी सिर्फ 6 साल की थी तभी चले गए थे। हाँ, ये देखो छोड़ के हमें, अभी पुरानी बातें छोड़ो और नई खुशखबरी देखो। ओ यस, चलो भगवान तेरे को बहुत तरक्की दे। अरे आंटी जी आपसे तो उठ ही नहीं रहे। एक तो तुम्हारे गत्ते ही इतने। गाइस अनबॉक्सिंग तो हो गई थी और ये लोग ना ये देते हैं एप्पल के स्टिकर्स देते हैं। तो गाइस आंटी के पास 4 कैमरे वाला एप्पल जो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, वो आंटी के पास पहले से है, क्योंकि आंटी की ना बहुत हाई कमांड में US हाई कमांड में बातचीत है, ठीक है। तो अब मैं इसको मैं कर देता हूँ। देखो जरा माँ को ये नकली एप्पल देते हैं। एप्पल का फोन हम बनाने वाले हैं और ये सैमसंग बन गया एप्पल, वो भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा एप्पल जो दूर से ही चमके। सही बात है गाइस। हाँ। तो 4 कैमरे वाला एप्पल और सैमसंग का बच्चा एप्सम। अब नहीं तुम्हारा एप्पल 13 आया ना अभी। हाँ, ये 14 है ना, 4 कैमरे 4 कैमरे ओह या। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप। यार मैं गाना इसलिए नहीं गा रहा हूँ आप लोगों का क्योंकि मेरा गला आप सुन रहे हो थोड़ा सा भारी हो रखा है, अगले ब्लॉग में गाता हूं। गाइस ये अभी सो के उठा है, झूठ बोलता है। हाँ, तो तभी तो गला भारी रखा है। हाँ, एंड यार सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्प्रेड लव एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय बाय बाय।